स्पिति राइड का अभी तक का सफर बहुत रोमांचक और खूबसूरत रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा एक रोमांचक सफर पर, जहां मैं नाको से सांगला तक की यात्रा करूंगा रेखांकियों और कल्पा के खूबसूरत रास्तों से होते हुए। इस सफर में आपको देखने को मिलेंगे अद्भुत नजारे, रोमांचक मोड़ और बहुत कुछ। इस वीडियो में नाको की सुंदरता और नाको झील, कल्पा की शांति और सुंदरता और सांगला की रोमांचक यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और स्पिति राइड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, पिछले कल हम रुके थे नाको में, ये होम स्टे लिया था हमने। और आज का प्लान ऐसा कि नाको में एक मोनेस्ट्री है वो देखेंगे और नाको लेक देखेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे कल्पा की तरफ। टायर प्रेशर भी चेक कर लेते हैं बाइक का, 29 है, 32 चाहिए ना, भर देते हैं भाई। चेन वगैरह लूप कर ली है और ये देखो भाई, बाइक की हालत देखो, बुरी हालत है, पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, घर जाके धुलाएंगे इसको अभी। चलो ये देखो, हमने सारा सामान निकाल दिया, चेन लूप के चक्कर में मिल नहीं रहा था, अब वापस डालेंगे इसको डिक्की में। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री एंड लेक देखने के लिए, नाको लेक। नाको गांव और नाको झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। यह समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए नाको लेक के किनारे पे। काफ़ी बड़ी लेक है, पता नहीं गहरी कितनी है ये तो नहीं पता, पर काफ़ी बड़ी है। नाको झील या गांव के पास में स्थित एक बेहद खूबसूरत झील है। पहाड़ों के बीच स्थित होने के कारण इसका दृश्य मनमोहक होता है। कहा जाता है कि सर्दियों में यह झील पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। नाको गांव घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का समय है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और आप आसानी से घूम सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं अभी नाको मोनेस्ट्री में और अंदर से वीडियोग्राफी अलोनी है तो मैं दिखा नहीं सकता अंदर से। और मेरे इस साइड जो है ये नई वाली है मोनेस्ट्री, और ये जो मिट्टी से बनी हुई है ये ओल्ड दीवारें हैं मोनेस्ट्री की, उस पर पेंटिंग बनी हुई है। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलोनी है बोलते हैं। प्राचीन काल की जो पेंटिंग बनी हुई है उनके जो कलर है ना वो खराब होते हैं फ्लैश से, तो इसलिए अलोनी है, ये तर्क है। अभी हम जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ, वहाँ से बस निकलेंगे। और ये है भाई नाको, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लग रहा है सांस जो फूल रही है ना वो चल रहे हैं आप तो, दम लग रहा है काफ़ी। पूरे बंजर पहाड़ है, ना एक पेड़ तक नहीं है यहाँ पे। और एक बात देखो यहाँ, ये सभी पत्थर जो है ना इन पे पता नहीं कुछ तो लिखा है, सभी पत्थर पे लिखा हुआ है कुछ आगे तक। सो गाइस, हम निकल रहे हैं नाको से, पू तक मुझे लग रहा है उतराई है, पू यहाँ से 30 किलोमीटर होगा अराउंड, और ये उतराई है। और हमारी आगे वाली हमारी कार का जो है टायर पंक्चर है, तो हमने सुबह उसका टायर रिप्लेस कर दिया था स्टेपनी से, और उसमें भी हवा कम थी स्टेपनी में भी, तो हमने हमारे पास पंप तो था, हमने भर दी हवा, बट हमें वो टायर जो है ना वो रिपेयर करवाना है, तो शायद बोल रहे थे पू में हमें मिल जाएगी टायर पंक्चर शॉप। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नेटवर्क है, कल समुद्र से नीचे हमें नेटवर्क मिल गया, समुद्र से ऊपर काजा में थोड़ा सा नेटवर्क था, बट काजा के आगे पीछे जैसे हो गए हम तो नेटवर्क चला गया, दो दिन हमने बिना नेटवर्क के काटे, बट कल फाइनली हमें नेटवर्क मिला, तो कुछ पेंडिंग काम भी हमने कंप्लीट किए और बाकी घर पे भी बात हुई सभी से वहीं। और पहाड़ियाँ देखो, मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये पहाड़ियाँ बिल्कुल वीरान है, बंजर है, कोई पेड़ नहीं, और ऑक्सीजन की कमी है, हमें भी थकान बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, सांस फूल रही थी, अभी भी फूल रही है हल्की हल्की, अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी।
पू से पीछे हम रुके हैं यहाँ पे, मैकेनिक उन्होंने बोला लगा देंगे पंचर वो, तो मैंने भी सोचा हम भी रुक जाते हैं। हवा भर के देख लेना भाई, प्रेशर इसका 29 है टायर प्रेशर। और ये देखो, ये हम सतलुज नदी को क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज पता नहीं कौन सा ब्रिज है, बहुत हाइट पे बना हुआ है। अगर आप यहाँ से देखो, ये देखो कितनी नीचे है वो सतलुज नदी बह रही है, पूरा मिट्टी के रंग का पानी है। और ये फ्लैग कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं भाई। हवा चल रही है, हवा से उड़ रहे हैं। ये देखो स्टोन जो है वो गिरते रहते हैं, स्टोन शूटिंग एरिया है सब, ये ऊपर से पत्थर आते हैं बुलेट की तरह। हवा का जो ब्लास्ट है ना, उससे बाइक थोड़ी अनस्टेबल हो रही है, तो थोड़ा सा स्पीड आप उतना रख नहीं सकते। खासकर ये मोड़ जब आते हैं तो हवा का एकदम से झोंका आता है। ये देखो बहुत तेज है यार, जंगी 3 किलोमीटर है। तो मैं पहुंच चुका हूं भाई कल्पा में, और यहाँ पे बोल रहे मंदिर है और मिनिस्ट्री वो देखने लायक है। कल्पा मिनिस्ट्री, जिसे हुबुलान कार मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कल्पा मिनिस्ट्री का इतिहास सदियों पुराना है और इसे एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान रिंचेन जंगपो द्वारा स्थापित किया गया था। कल्पा मिनिस्ट्री अपने शांत परिवेश और शांतिपूर्ण माहौल में ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान है। कल्पा का यह नारायण नागनी मंदिर भगवान नारायण और देवी नागनी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह अपनी सुंदर वास्तुकला, जटिल लकड़ी की निकासी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्यों के बीच में स्थित है, जो प्रार्थना और ध्यान के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु जी हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक है। ये जो अंदर मंदिर में देवता जी हैं, उनकी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी नहीं कर सकते। पीछे जो मंदिर का काम चल रहा है ना अभी, ये इसके दरवाजे बंद है, बट दरवाजे खुले भी हों तो बाहर से आप माथा टेक सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं। ये है पे भी लोग लगे हुए हैं, सारे इस टाइप के लोग होते हैं इधर मंदिर में, जो लोग लगा रखे हैं ना, थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग हैं। तो साइड पॉइंट 2 किलोमीटर के आसपास है, इधर से देख के आते हैं यार, फेमस जगह है, सभी टूरिस्ट जा रहे हैं उसकी तरफ, हम भी जा रहे हैं। तो बड़ी ज़्यादा हाइट पे है, नीचे तो खाइयाँ दिख रही हैं बगल में। पब्लिक करती थी इस साइड के, इधर आके रोला क्लिफ 2960 मीटर की ऊंचाई पे है, आई लव किन्नो, और इधर तो पिक्चर बनती है। गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, सांगला का मैप लगा दिया हमने, और 48 किलोमीटर बता रहा है, 730 का ETA है, 1 hour 49 मिनट का रास्ता है।